गाइस तो मैं अभी अपने दांतों के रिएक्शन बिस्मा से लेने लगा हूँ। हेलो गाइस। अच्छा बिस्मा, आई एम अबाउट टू शो यू माय टीथ। मेरी ख्वाबों में जो आए। हेलो एवरीवन, एक बहुत प्यारा सा दिन था और मैंने सोचा कि यार मतलब दांत बदलने चाहिए मुझे। तो मैंने सारा प्लान किया, मैंने कहा लेट्स गो टू अ फाइव स्टार प्लेस, अ फाइव स्टार डेंटल क्लिनिक एंड गेट माय टीथ चेंज्ड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, यू गाइस कैन सी, देख लें। यस, बट फॉर दिस आई हैड टू गो टू लाहौर यार, क्योंकि सबसे जो अच्छा क्लिनिक है दैट्स रहमान एंड रहमान द प्रीमियर, राइट? क्योंकि मैंने रिव्यूज देखे थे और अलीम रहमान रन दिस प्लेस, सो आई रियली वांटेड टू गेट माय टीथ डन बाय अ प्रोफेशनल। एंड नंबर टू, दिस इज स्टारबक्स। कहाँ पाकिस्तान में आपको यार ये बर्गर चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे मिल जाती हैं। Also sorry for disturbing you in the cinematics, but like यार थोड़ा बूजी सा गाना डालना था, क्लासिकल सा, क्योंकि बहुत ही कूल जगह है, तो लाइक आप इंजॉय करें, जगह देखें, मैं साथ साथ आपको समझाता हूँ। तो ये ना एंट्रेंस है, ठीक है, ये बैठने की जगह है, सारी काउंटर है सामने। वाओ अमेजिंग, ये आंटीज डांस कर रही हैं इधर, क्योंकि आर्ट भी दिखाना था। खैर ये हार्वर्ड से पढ़े यार अलीम रहमान, क्या बात है, आई मीन लाइक डैम। और ये मैं हूँ शोखा। उसके अलावा यार ये जगह जहाँ पे दांत वगैरह ठीक होते हैं, लाइक डिफरेंट पोर्शंस हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है जिससे मज़े की चीज़ है वो ये लिफ्ट है, ठीक है। और ये ऊपर यहाँ पे सारी सर्जरीज होती हैं ऊपर, और ये एक जगह थी बहुत काम मज़ेदार जगह थी। आई यूज टू चिल हियर एवरी डे बिकॉज आई स्टेड हियर फॉर टू डेज। ओके यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड टुडे आई एम विद माय रियली गुड फ्रेंड हमस। तो अभी व्हाट एम आई गेटिंग टुडे बाय द वे, कुछ आइडिया है? It's a surprise, bro, for you. I don't know what are you getting, like braces? तो मैं तुम्हें लगता है मुझे braces की ज़रूरत है? क्या लगवा रहे हो? फिर I think like you just smile. I think you just want braces. Are you getting a filling done? I'm getting veneers. ठीक है ना? What are veneers? बेसिकली वनीयर्स जो होते हैं वो थिन टूथ कलर शेल्स होते हैं जो आपके दांतों के फ्रंट पे लगाए जाते हैं ताकि उनकी अपीयरेंस इंप्रूव की जाए। यू गेटिंग दोस थिंग्स? बाय द वे, वी हैव कम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर दिस। यस, दिस इज व्हाट दिस। लाइक इस तरह बिहेव करना चाहिए। लाइक रियली डिसेंट पढ़े लिखे बच्चे। हां, इंग्लिश में बात करनी है। ब्रो मास पहले है ना डांट पे। इट इज स्टेयरिंग एट अस। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आर यू अलीम? Hi. I am Aleem, yes. Really? nice to meet you. Nice to meet you guys. Haman, my friend Haman. Can we take our mask off? We can, because we have a negative pressurized operatory which kills all the bacteria and viruses. Plus there's a COVID station outside, so we can take our mask off. Began. So Aleem, so today I really wanted to review like the five star place in Pakistan. So this was one on my bucket list. Okay. So maine kaha I have to come here and check is it really worth it or not. Well, you have to tell me that. As I've heard ke like messages mein you were like AI something. What is that? So AI is artificial intelligence. Artificial intelligence means that rather than a completely uneducated bachcha making your teeth, a computer, yeah, which is a milling machine or a 3D printer, actually needs your teeth. And that is the first time that we actually used here in Pakistan. So that was a major, major innovation that we found there. Because Pakistan is not like the machine you used yesterday for my teeth. Yeah, exactly. So that was just the scanner. Yeah. That which takes like, I think, 1,000 pictures per 10,000 second? 10,000 pictures per second. Yeah, let me show you how my teeth look. ये उसी मशीन से हुआ है। वो ये तुम्हारे नाम से? हाँ, नहीं तुम्हारे नाम से। Should I show them the back side? No, thank you. Bro, Mustafa. नहीं। हमें, I think हमें चला जाना चाहिए। तुम्हें चला जाना चाहिए यहाँ से। This is like really cool, yeah. It's for a life. Do you wanna get veneers, Hamas?
Yeah, I think I want veneers. Yeah. So for people who want braces, who want aligners, yeah, all that kind of stuff, it's amazing. It's the brand new. Okay. Rather than having that ridiculous gooey liquid going in gagging you, it's really. बैठने लगे हैं इस पे. हमस आप इधर ही होंगे आपने जाने. हाँ bro, मैं इधर हूँ. I don't want to see what happens. Basically, get your cleaning done every 6 months because you can't clean the way that a doctor can clean your teeth. In a consultation, we basically see the teeth and mm-hmm. what we need to do. In your case, we have not too many issues, but the major issue, as we can see, is that front teeth, which are called the central incisors, mm-hmm. they're a little crooked. They're not aligned. Basically, they're ugly. No. So what we're going to do is this and this tooth to be in exact proportionality. Yeah. And then this tooth, this one is really small. So we're going to make it nice and big and volumize it up. This is his own words. So fang like look right here. Mm-hmm. We are going to make it nice and smooth. So yeah, like all, aligned. Yeah, aligned. And Mustafa can have pretty teeth. With everything being so gorgeous, the best smile also in the world. So yeah, we'll see. We're gonna match shades and you're gonna tell me which one you like. So this one is the really bleachy. I like this. You like okay, so this one no more gone. Yeah. Why do you have to do this? Just so that you don't feel any kind of irritation in the gum. So this is called prepping. Okay. What used to happen is people used to grind the whole tooth. Now what we do is we just prep it. Hello everyone, so aaj was like day one of the veneers. Abhi scene ye hai ki ye daant thode se unnatural lag rahe hain. Uska reason ye hai kyunki unhone abhi iski cutting karni hai, polishing karni hai. Abhi it's like just the layer of veneers. Really excited for tomorrow. Abhi to I just feel like it's really white. I really wanted like really bleached and whitey. Let's see what happens tomorrow. See you soon. Aaj inshallah 2 ghante tak aapko bleach kar denge. Thank you. Hello everyone. So अभी I think veneers सारे लग गए. अभी बस इनका polishing करना रहता है. मुझे अपना face इतना different लग रहा है. Oh my god. ये polish के थोड़े बहुत अभी टेढ़े मेढ़े. ये सारे polish करके बिल्कुल मजे के हो जाएंगे. So I can't wait to show it to you guys. So guys, this is the man behind the game and I really love him. Thank you, Majid. Welcome. Hello everyone, so I'm done with my veneers. This is Aleem. Dr. Aleem. Yeah. What do you think about my teeth, Weston? I can't comment because I'm the one who did them and so did Dr. Majid. We can have his best team tell everything. Oh yeah, can I like look at it? तो मैं अभी अपने दांतों के रिएक्शन बिस्मा से लेने लगा हूँ. अच्छा बिस्मा, आई एम अबाउट टू शो यू माय टीथ. ओ कितनी तो प्यारी लग रही है. लॉलीपॉप्स. अच्छा मैं अभी जैनब को रिएक्शन देने लगा हूँ. जैनब इधर आओ. किस चीज़? मैं जानता हूँ.
ठीक लग रहा है। I look different. बहुत अच्छा लग रहा है ये। I look different. It looks good. Really?